दोस्तों, आज हम शरारा सलवार की कटिंग करेंगे। तो हम पहले हिप का निशान लगाएंगे। तो मैंने इसका चौथाई से 6 इंच रखा है। 6 इंच रखने के बाद हम 4 इंच पर इस पर लगाएंगे आसन का निशान, और इसे राउंड शेप देते हुए इस तरह से गोल कर देंगे। गोल करने के बाद अब हम इस यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं। जो जितनी भी हमारी थाई है उसी के अनुसार हमें अपने निशान लगाना है। तो मैंने इसे 5 इंच पर लगाया निशान, और यहाँ मार्जिन के लिए रख दिया 1 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। तो कपड़े पर हम नॉर्मली 18 इंच पर लगाते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से काट देंगे। इस तरह से काटने के बाद अब क्या करेंगे, हम दोनों आसन को ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से इधर से पकड़ेंगे और इधर से हम सिल देंगे दोनों को। सिलने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसमें स्क्वायर शेप में 2 पीस काटेंगे। जितनी लंबी आप, जितना ज़्यादा आप इसमें चुन्नट डालना चाहते हो उतना ज़्यादा आप काट सकते हो स्क्वायर शेप में। कपड़े को हमें ऐसे ही करना है, जितना ज़्यादा हम इसमें चुन्नट डालेंगे उतने ही ज़्यादा हमें इसमें स्क्वायर शेप में कपड़ा काटना है। तो हमने इससे से 2 लिया पेपर इस तरह से स्क्वायर शेप में, और यहाँ पर हम सिलने के बाद यहाँ पर चुन्नट डालेंगे। तो हमारा ये घेर बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से चुन्नट डालते हुए पूरे में जाएंगे इस तरह से, एक एक दो दो इंच पर, एक इंच पर भी डाल सकते हो आप, 1.5 इंच पर भी डाल सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे डाल सकते हो। तो इस तरह से पूरे हमें इस तरह से चुन्नट डालनी है इस तरह से, दोनों में इस तरह से डालेंगे। तो हमारा ये शरारा सलवार बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। तो आप बनारस में लेंथ के अनुसार इसी कपड़े पर, और यहाँ पे हम 2-4 इंच चौड़ी बेल्ट लगा देंगे। दो इंच हमारी अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, 2 इंच हमारी बाहर की तरफ मुड़ जाएगी। यहाँ पे आप रबड़ भी डाल सकते हो। तो इस तरह से हमारा सलवार बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।